जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज मैं आपको कान्हा जी के शयन कक्ष के दर्शन करवाती हूँ, जिसे मैंने कुछ पेंटिंग्स और मोर पंख से सजाया है। ये दोनों पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई हैं और ये मोर पंख कान्हा जी के प्रिय। इस पेंटिंग में देखिए क्या दिख रहा है आपको। इसमें विष्णु जी और कान्हा जी का रूप है, जो लक्ष्मी माता हाथ में कमल लिए और राधा जी के साथ खड़े हैं। और ये है हमारे कान्हा जी का शयन कक्ष। गर्मियों के कारण मैंने खुले में बनाया है। वैसे तो इनका एक बेडरूम है, पर ये मैंने खुले में इसलिए रखा है ताकि कान्हा जी को ठंडी ठंडी हवा लगे। कान्हा जी को सुलाने से पहले मैं बिस्तर को अच्छी तरह साफ करती हूँ, तकिए हटाकर चादर को अच्छी तरह से साफ करती हूँ और फिर मैं तकिए दोबारा लगाती हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा बिस्तर किसके लिए है। ये बेड है हमारे शालिग्राम जी का, जिसे भी मैं अच्छी तरह साफ करती हूँ। और अब हमारे कान्हा जी का बिस्तर बिल्कुल तैयार है। और ये है हमारे कान्हा जी और राधा जी की चरण पादुका। अब हमारे कान्हा जी विश्राम के लिए आने वाले हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी और राधा जी। कान्हा जी के हाथ के नीचे मैं हमेशा एक गोल तकिया रखती हूँ ताकि उन्हें कष्ट ना हो। और ये हमारे शालिग्राम जी भी पधार गए हैं। देखिए किस तरह मुस्कुरा रहे हैं। दिन भर की थकावट के बाद शालिग्राम जी भी विश्राम करने आए हैं। पहले हम इनकी बांसुरी को एक तरफ रखेंगे, तकिया हटाएंगे और अब इन्हें आराम से सुलाएंगे। इस तरह से मैं कान्हा जी को शयन कर रही हूँ। और अब हम शालिग्राम को भी शयन कराएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।